नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SL Teach में। दोस्तों आज जो है मैं क्लास से ट्वेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 सब्जेक्ट पजेक्ट्स के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जिनमें से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप इन सभी को याद कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको इस चैनल पर इस प्रकार वीडियो मिलती रहती है, लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अक्षीय या निरक्षीय स्थिति, तो ये ऐसे आता है एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी किसी बिंदु पर, ठीक है, अक्षीय स्थिति ज्ञात कीजिए, के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए या निरक्षीय के। तो दोस्तों ये चार होती हैं, एक तो विद्युत के लिए, एक विद्युत के लिए, और दूसरी जो है वो होती है चुंबक के लिए, और तीसरी जो होती है वो होती है विभव के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये सभी याद कर लेनी है, तो ठीक है इनमें से एक इस बार आ सकती है। उसके बाद दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय से कूलम का नियम व्युत्पन्न कीजिए। इसमें होता है दोस्तों कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है दोस्तों। इसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये दोस्तों ऐसे भी हो जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की जगह पे ऐसे आ जाएगा कि के परावैद्युतांक में रखे हुए किसी संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, यानी कि के परावैद्युतांक, तो इसमें भी यही लिखना है वैद्युतांक, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों फोर्थ बायो सेवर्त का नियम, ठीक है, तो इसमें जो है बायो सेवर्त का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, ठीक है, यानी कि उसका व्यंजक भी आपको ज्ञात करना है। इसके बाद दोस्तों एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक, तो इसमें ऐसा होता है दोस्तों एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक भी साथ में लिखिए, तो आपको इसके कारक भी लिखना है। इसके बाद जो है दोस्तों नेक्स्ट है कि सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि पी ए बी बराबर आई आर एम एस, ठीक है, वी आर एम एस इंटू कॉस फाई, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको याद कर लेना है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन दोस्तों सभी गेट्स यानी कि एंड नॉट और, ठीक है, नंद नोर एक्सोर, ठीक है, और कैसे प्राप्त करोगे एंड और नॉट गेट से नंद गेट, ऐसे जिस सब जितने भी क्वेश्चन होना आपकी आपके नोट्स में या फिर आप परीक्षा देना परीक्षा बोर्ड में, तो उन सबको आपको याद कर लेना है क्योंकि गेट्स में से एक जरूर आता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा एनपीएन ट्रांजिस्टर वाला क्वेश्चन आपको जरूर याद करें। इसके बाद दोस्तों एन प्रकार व पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। लास्ट है दोस्तों पूर्ण तरंग दृष्टकारी पीएन संधि डायोड, तो इसमें होता है पूर्ण तरंग दृष्टकारी पीएन संधि डायोड में पूर्ण तरंग दृष्टकरण का वर्णन कीजिए, ठीक है, उसमें नामांकित चित्र और निर्गत सिग्नल विर्गत सिग्नल ये बनाने होते हैं दोस्तों, तो आपको ये भी याद कर लेना है तभी आपके 5 नंबर पक्के होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।